हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के लिए देखिए दो कलर से बने हुए सॉक्स का डिज़ाइन लेके आई हूँ ये अंगूठे वाली सॉक्स है देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है ये इसकी फ्रंट साइड है और बैक साइड है ये देखिए ये ये बैक साइड है इसकी और ये फ्रंट साइड है इसको ना कोई भी यूज कर सकता है जैसे ऐसा नहीं है कि लेडीज़ ही पहन सकती है इसको जेंट्स भी पहन सकते हैं और जो बड़े बच्चे हैं वो भी पहन सकते हैं ये ना बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं अगर आप सर्दियों में अंदर बिना मतलब चप्पल के भी इनको ना आराम से मतलब यूज कर सकते हो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी आप लोगों को और ये सॉक्स ना मैंने सात और आठ नंबर पैर के लिए बनाया है तो इसको सात नंबर वाले भी पहन सकते हैं और आठ नंबर वाले भी पहन सकते हैं चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना तो देखिए मैंने दो कलर से बनाया है और यहाँ पे देखिए बॉर्डर पे मैंने ब्लैक की धागा लगाया है उसके बाद देखिए दो कलर लगाए हैं ये मेरा ना मल्टी कलर है बट आप लोगों को ये ना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा मगर ये लाइट कलर है और मल्टी कलर है और यहाँ पे ब्लैक धागा लगाया है उसके बाद मल्टी कलर फिर ब्लैक धागा और यहाँ पर मैंने जो टोटल फंदे डाले हैं यहाँ पर बॉर्डर पर मैंने पचास फंदे डाले हैं उसके बाद देखिए फंदे बढ़ाए नहीं हैं पचास ही फंदे मैंने ऊपर को रखे हैं और यहाँ पे देखिए एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है और मैं आप लोगों को इसका बॉर्डर बना के दिखा देती हूँ एक सिलाई में देखिए ये मैंने थोड़ा सा पहले से ही बॉर्डर बनाया है ये मैंने यहाँ पे दस फंदे डाले हैं मैं दस फंदों में आप लोगों को ये बनाना बताऊँगी यहाँ पे देखिए पहला फंदा हमने उतार लेना है और एक फंदा उल्टा धागा पीछे बस यही दो फंदे रिपीट कर लेने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा और एक बात इसको मैंने दस नंबर की सिलाई से बनाया है और देखिए ये एक फंदा सीधा एक उल्टा फ्रंट साइड से इसी तरीके से आएगा और बैक साइड से भी इसी तरीके से आएगा जो फ्रंट साइड में सीधे होंगे फंदे वो बैक साइड से उल्टे आएंगे और उल्टे फंदे सीधे देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे उसके बाद एक फंदा उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक, उल्टा, एक, सीधा, एक, उल्टा, एक, सीधा, एक फंदा उल्टा एक सीधा देखिए इसी तरीके से मैंने पूरा बॉर्डर बनाया है उसके बाद देखिए बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे मैंने दूसरा कलर लगाया है तो मैं यहाँ पे से कलर ज्वाइंट कर लूँगी और देखिए पहला फंदा हमने यहीं से ही इसको हमने अटैच कर लेना है दूसरे धागे को और एक फंदा सीधा बना लेंगे उसके बाद हमने पूरी रो सीधा सीधा ही बना लेना है कोई डिज़ाइन नहीं है इसमें देखिए एक रो हमने फ्रंट साइड से सीधा सीधा बना लिया है और फिर हम बैक साइड पे आ जाएंगे और बैक साइड पे पहला फंदा उतारेंगे और बाकी की रो हमने उल्टा उल्टा बना लेना है सिंपल सा डिज़ाइन है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना इसको तो देखिए ये हमारी सेकेंड रो भी बैक साइड से कंप्लीट हो गई है अब हम क्या करेंगे इसकी फ्रंट साइड पे आ जाएंगे और फ्रंट साइड पे फिर से हमने यहाँ पे इसी से ही इसी वाले धागे से फिर से एक रो बना लेनी है पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी की रो हमने सीधा सीधा ही बना लेना है देखिए ये खाली मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ इसका ये ना जो धागा होगा ना इसको आपने साथ साथ में ही एडजस्ट भी कर लेना है बैक साइड पे तो देखिए इसी तरीके से बैक साइड पे ये जो धागा है इसको भी एडजस्ट कर लेना है नहीं तो ये निकल जाएगा देखिए थर्ड रो हमारी डिजाइन की कंप्लीट हो गई है फोर्थ रो है बैक साइड है देखिए पहला फंदा उतारेंगे और पहले की तरह ही हमने बैक साइड से उल्टा उल्टा बना लेना है देखिए डिजाइन सीधा उल्टा ही है सिर्फ हमने कलर चेंज करना है उसके बाद ये हमारी बैक साइड से फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है अब फिफ्थ रो पे आ जाएंगे और फ्रंट साइड है यहाँ से देखिए फिफ्थ रो पे हमने आ, धागे को चेंज कर लेना है और यहाँ पे फिर से हमने येलो कलर लगाना है देखिए येलो कलर लगा लेंगे और सीधा सीधा बना लेंगे देखिए हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है और सिक्स रो बैक साइड से कंप्लीट कर लूँगी देखिए ये उल्टा उल्टा ही बनाना है कोई डिजाइन नहीं है सिर्फ़ सीधा और उल्टा ही है और सिर्फ़ कलर चेंज करना है देखिए सिक्स रो हमारी बैक साइड से कंप्लीट हो गई है और यही आपने बार बार रिपीट करना है फिर से देखिए हमने कलर चेंज कर लेना है फ्रंट साइड से कलर चेंज करेंगे देखिए पहला फंदा फिर से यहाँ पे हमने ब्राउन कलर ही लगा लेना है देखिए ये आप जो भी कलर से बना रहे हो वो लगा लेना तो देखिए ये फिर से देखिए चार रो ब्राउन वाले धागे से बनानी है और दो रो येलो वाले धागे से देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक सिक्स रो बनाई है छः रो बनाई है ये दो रो ये देख रही है ना ब्लैक वाले धागे यहाँ तक हमारी छः रो कंप्लीट हो गई थी उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर से छः रो बनाई है फिर यहाँ से यहाँ तक छः रो बनाई है और लास्ट में देखिए ये हमने चार रो बनाई है इसमें तो टोटल मैंने यहाँ पे बाईस रो बनाई है देखिए ये यह, छः यहाँ तक बनाई फिर छः यहाँ तक बारह फिर छः यहाँ तक अट्ठारह फिर उन्नीस बीस इक्कीस 22 ये चार रो है ऊपर की तो टोटल हमने बाईस रो बनाई है और अब मैं बता देती हूँ जो इसका बॉर्डर है मैंने कितना बनाया है और इंच टेप से नाप के दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को देखिए जो इसकी बॉर्डर की मैंने लंबाई रखी है वो डेढ़ इंच लंबाई है देखिए ये डेढ़ इंच बॉर्डर की लंबाई है और उसके बाद देखते हैं बॉर्डर बनाने के बाद मैंने ये देखिए दो इंच है हमारा ये बॉर्डर बनाने के बाद दो इंच रखा है टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक मेरा ये साढ़े तीन इंच है इसकी जो मैंने लंबाई रखी है साढ़े तीन इंच रखी है उसके बाद हमने क्या करना है ये जैसे पचास फंदे हैं ना पचास फंदे हैं इनको हमने आधा डिवाइड कर लेना है एडी बनानी है अब हमने तो उसके लिए हमने फंदों को डिवाइड कर लेना है देखिए किस तरीके से करेंगे पच्चीस फंदे इस साइड को रखेंगे पच्चीस फंदे इस साइड को देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस एक पच्चीस पच्चीस फंदे हैं और यहाँ पे हमने पिन लगा लेनी है एक देखिए यहाँ पे पिन लगा दी उसके बाद हमने दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस बाईस चौबीस पच्चीस पच्चीस फंदे हमारे इस साइड को हैं पच्चीस फंदे इस साइड को हैं अब हमने क्या करना है पहले ये आधा हिस्सा बना लेंगे हमने ना पहले राइट साइड की सॉक्स बनानी है, देखिए उसकी एड़ी बनाएंगे यहाँ से अब हमने देखिए यहाँ से अब हमने ब्लैक धागा लगा लेना है एडी में जो पूरी ही ब्लैक धागे से बनाऊँगी वहाँ पर दो कलर नहीं लगाने हैं तो मैंने क्या करना है ब्लैक वाले धागे को ले लेंगे और यहाँ पे देखिए पहले वाले फंदे में जॉइंट कर लेना है धागे को उसके बाद हमने एक फंदा और सीधा बनाना है देखिए ये हमारे दो फंदे हो गए यहाँ पे हमने ना एक फंदा कम करना है तो इसके ऊपर से हमने इसको ड्रॉप कर लेना है पहले फंदे को एक फंदा कम कर लिया उसके बाद हमने पूरी ही रो सीधा सीधा बना लेना है देखिए ये पूरी रो हमने सीधा सीधा ही बनाना है कोई डिजाइन नहीं है मैंने पहले ही बता दिया था और यहाँ पे तक जो ये पिन है ना यहाँ पे तक बनाना है तो ये हमने पूरी ही सीधा सीधा बना लिया है अब हमने क्या करना है पिन को हमने निकाल देना है अब यहीं से ही हमने बैक साइड पे आ जाना है देखिए ये फंदे छोड़ देंगे ये जो पच्चीस फंदे हैं यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और एक फंदा हमने उल्टा बना लेना है और क्या करेंगे अभी हमने एक फंदा फिर से कम करना है देखिए एक फंदा यहाँ पे कम किया है अब एक फंदा हम यहाँ पे कम करेंगे देखिए ये और उसके बाद हमने पूरी ही रो बैक साइड से उल्टा उल्टा बना लेना है यहाँ पे कोई फंदा हमने कम नहीं करना है तो मैं ये पूरी रो बैक साइड से कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए एडी की मैंने सेकेंड रो बैक साइड से कंप्लीट कर ली है अब हमारी ये थर्ड रो है एडी की और फ्रंट साइड है यहाँ पे देखिए फिर से हमने क्या करना है पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पे एक फंदा फिर से सीधा बना लेंगे फिर से हमने एक फंदा कम करना है देखिए यहाँ पे एक फंदा कम कर लिया उसके बाद हमने बाकी की रो सीधा सीधा ही बना लेना है देखिए यहाँ पे मैं न ए पे दो कलर नहीं लगा रही हूँ सिर्फ मैंने ब्लैक वाले धागे से ही एडी बना लेनी है तो ये हमने पूरी रो सीधा सीधा ही बना लेना है फ्रंट साइड से देखिए फ्रंट साइड से पूरी रो बना ली है सिर्फ हमने एक फंदा यहाँ पे कम किया था देखिए इस साइड जब हम बना रहे हैं तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे एक फंदा कम करेंगे और बैक साइड पे जब आएंगे ना यहाँ पे फंदा कम करेंगे देखिए एक फंदा कम किया उसके बाद पूरी रो हमने सीधी बना ली है और लास्ट फंदा बचा है इसको हमने सीधा बना लेना है अब हम फोर्थ रो पर आ जाएंगे और बैक साइड है हमारी एड़ी की और यहाँ पर देखिए पहला फंदा उतार लिया और यहाँ पर हमने फिर से एक फंदा उल्टा और ये जो पहला फंदा है ना इसको ड्रॉप कर लेना है देखिए एक फंदा हमने यहाँ पे कम कर लिया उसके बाद हमने पूरी ही रो बैक साइड से उल्टा उल्टा बना लेना है कोई फंदा हम कम नहीं करेंगे तो मैं ये वाली रो भी बैक साइड से कंप्लीट कर लेती हूँ फोर्थ रो देखिए एडी की फोर्थ रो मैंने बैक साइड से कंप्लीट कर ली है अब फ्रंट साइड पे आ गई हूँ और फिफ्थ रो है ये एडी की देखिए पहला फंदा उतार लिया फिर से हमने एक फंदा यहाँ पे कम कर लेना है और यहाँ पे देखे पहले फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर लेंगे और बाकी की रो हमने फिर से सीधा सीधा ही बना लेना है देखिए फिफ्थ रो मैंने फ्रंट साइड से कंप्लीट कर ली है अब हमारी सिक्स रो है बैक साइड है देखिए फिर से हमने पहला फंदा उतार लिया और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक फंदा उल्टा बना लिया फिर से हमने एक फंदा इसके ऊपर से ड्रॉप कर लेना है और एक फंदा कम कर लिया यहाँ पे फिर से हमने बैक साइड से पूरी ही रो उल्टा उल्टा बना लेना है सिक्स वाली तो मैं ये सिक्स रो कम्प्लीट कर लेती हूँ देखिए सिक्स रो मेरी बैक साइड से कंप्लीट हो गई है सेवन्थ रो है फ्रंट साइड है फिर से देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पे एक फंदा सीधा बना लेंगे फिर से इसके ऊपर से हमने ड्रॉप कर लेना है और उसके बाद हमने पूरी ही रो फ्रंट साइड से सीधा सीधा बना लेना है तो मैं ये सेवन्थ रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रंट साइड से देखिए सेवन रो कंप्लीट हो गई है और अब हम बैक साइड पे आ जाएंगे एट थ्रो है ये फिर से देखिए पहला फंदा हमने उतार लेना है और उसके बाद ना एक फंदा उल्टा बना लेंगे फिर से हमने पहले वाले फंदे को इसके ऊपर से ड्रॉप कर लेना है बाक़ी की रो हमने उल्टा उल्टा ही बना लेना है तो मैं एट थ्रो बैक साइड से कम्प्लीट कर लेती हूँ एट्थ रो बैक साइड से कम्प्लीट कर ली है अब हमारी ये नाइन्थ ही रो है और फ्रंट साइड है फिर से देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और एक फंदा हमने सीधा बनाया और इसके ऊपर से ड्रॉप कर लिया फिर से हमने पूरी ही रो सीधा सीधा बना लेना है तो मैं ये वाली रो भी कम्प्लीट कर लेती हूँ देखिए नवी रो फ्रंट साइड से कंप्लीट कर ली है दसवीं रो है बैक साइड है देखिए फिर से पहला फंदा उतार लिया और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर से हमने ड्रॉप कर लिया उसके बाद यहाँ पे देखिए एक फंदा कम हो गया और बाकी की रो हमने फिर से ही पूरा ही उल्टा उल्टा बना लेना है तो मैं बैक साइड से कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए दसवीं रो हमारी बैक साइड से कंप्लीट हो गई है ग्यारहवीं रो है फ्रंट साइड है फिर से देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और उसके बाद हमने देखिए ये एक फंदा कम कर लेना है दो फंदे बनाए हैं हमने एक फंदा कम कर लेंगे और उसके बाद बाकी की रो हमने सीधा सीधा ही बना लेना है तो मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रंट साइड से ग्यारहवीं रो हमारी फ्रंट साइड से कंप्लीट हो गई है बारहवीं रो है बैक साइड है देखिए फिर से हमने पहला फंदा उतार लेना है और यहाँ पे एक फंदा फिर से हमने कम कर लेना है बारहवीं रो फिर से हमने बैक साइड से उल्टा उल्टा बना लेना है तो मैं पूरी ही रो कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए बारहवीं रो हमने बैक साइड से कंप्लीट कर ली है अब हमारी ये तेरहवीं रो है फ्रंट साइड देखिए फिर से हमने पहला फंदा उतार लिया एक फंदा सीधा और इसके ऊपर से हमने ड्रॉप कर लिया और उसके बाद हमने बाकी की रो सीधा सीधा ही बना लेना है फ्रंट साइड से पहले की तरह ही देखिए तेरहवीं रो हमने फ्रंट साइड से कंप्लीट कर ली है अब हम बैक साइड पे आ जाएंगे देखिए फिर से हमने पहला फंदा उतार लिया और एक फंदा उल्टा बना लिया उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे दो का ये देखे एक कर लिया इसके ऊपर से ड्रॉप कर लिया और बाकी की रो हमने बैक साइड से उल्टा उल्टा बना लेना है तो मैं ये चौदहवीं रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ बैक साइड से देखिए ये मैंने सारे फंदे कम कर लिए हैं जितने भी मेरे को चाहिए थे यहाँ पे देखिए जब मैंने फंदे कम करने स्टार्ट किए थे तो 25 फंदे थे और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने सात सिलाइयों में फंदे कम किए हैं देखिए मैंने टोटल ये चौदह रो बनाई हैं फ्रंट साइड से देखिए मैंने सात फंदे इस साइड को कम किए हैं और सात फंदे बैक साइड से इस साइड को तो टोटल मैंने ये चौदह फंदे कम किए हैं और चौदह सिलाइयों में अपने सारे फंदे कम कर लिए हैं तो अब हमने देखे यहाँ पे कितने फंदे बचाए हैं दो चार छः, आठ दस एक ग्यारह यहाँ पे मेरे ग्यारह फंदे बचे हैं अब हमने क्या करना है एडी को ना यहां पे से अब फंदे बढ़ाने हैं हमने जैसे हमने कम किए थे वैसे ही फंदे बढ़ाएंगे देखिए किस तरीके से बनाना है पहला फंदा हमने उतार लेना है और बाकी की रो देखिए देखिए हमने चौदह सिलाइयों में फंदे कम किए थे ना तो अब हमने चौदह सिलाइयों में अपने फंदे बढ़ाने हैं देखिए किस तरीके से बढ़ाएंगे पहले हम पूरी रो सीधा सीधा बना लेंगे देखिए यहाँ पे हमने पूरी रो सीधी बना ली है अब हमने क्या करना है यहाँ पे ना ये जो नेक्स्ट वाली सिलाई होगी ना आपको ब्लैक वाला धागा है तो दिख नहीं रहा होगा अगर आप कोई और कलर लगा रहे हो तो दिख जाएगा यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से ना एक फंदा इस तरीके से उठा लूँगी देखिए ये एक फंदा हमने यहाँ पे उठा लिया देखिए हम जब फंदे कम कर रहे थे ना तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे फंदे कम कर रहे थे अब की बार देखिए यहाँ पे हमने फंदा उठाया और बैक साइड से आके ना यहाँ पे फंदा उठाएंगे देखिए किस तरीके से उठाएंगे ये हमने पहली रो बनानी है फंदे उठाने की और ये सेकेंड रो है और बैक साइड है बैक साइड से फिर से हमने पूरी ही रो उल्टा उल्टा, उल्टा बना लेना है देखिए पूरी रो हमने बैक साइड से उल्टा बना लिया अब हमने क्या करना है जो नेक्स्ट वाली रो दिखेगी ना ये देखिए यहाँ पे से एक फंदा उठाना है आप लोगों को ये मेरा ब्लैक धागा है नी दिख रहा होगा ना जो आप कलर लगा रहे हो उस पर दिखेगा तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे से एक फंदा उठा लेना और फिर फ्रंट साइड पर आ जाएंगे देखिए ये हमारी अब सेकेंड रो होगी फंदे बढ़ाने की देखिए ये पहला फंदा हमने सीधा बना लिया उसके बाद हमने बाकी की रो सीधा सीधा ही बना लेना है तो मैं ये रो फ्रंट साइड से सीधी बना लेती हूँ पहले देखिए ये फ्रंट साइड से हमने थर्ड रो बना ली है अब हमने फिर से एक फंदा उठाना है देखिए यहाँ पे से उठा लेंगे एक फंदा उठा लिया और एक फंदा हमने सीधा बना लेना है इस तरीके से बना लेंगे नहीं तो ये जो धागा है ना वो निकल जाता है और अब हम बैक साइड पे आ जाएंगे और ये हमारी फोर्थ रो है पहला फंदा उतार लेंगे और उसके बाद ना बाकी की रो हमने उल्टा उल्टा बना लेना है तो मैं बैक साइड से उल्टा उल्टा बना लेती हूँ पूरी रो देखिए हमने बैक साइड से पूरी रो बना ली है अब हमने फिर से देखिए यहाँ पे से ना बैक साइड पे ही एक फंदा उठा लेना है देखिए यहाँ पे से एक फंदा उठा लिया फिर हम फ्रंट साइड पे आएंगे और फ्रंट साइड पे देखिए फिर से पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी की रो हमने सीधा सीधा बना लेना है तो मैं फ्रंट साइड से सीधा सीधा बना के कम्प्लीट कर लेती हूँ और ये हमारी फिफ्थ रो है फ्रंट साइड से देखिए ये फ़्रंट साइड से हमने पूरी रो बना ली है फिर से हमने देखिए यहाँ पे ना एक फंदा उठा लेना है यहाँ पे से उठा लेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे और अब हम बैक साइड पे आ गए हैं बैक साइड है और सिक्स रो है देखिए फिर से हमने पहला फंदा उतार लिया और बाकी की रो हमने उल्टा उल्टा बना लेना है और एंड पे आके हम एक फंदा उठाएंगे तो मैं पहले ये वाली कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए पूरी रो हमने बैक साइड से उल्टा उल्टा बना लिया है अब हमने फिर से एक फंदा ना यहाँ पे से उठा लेना है अब हम इसकी फ्रंट साइड को आ जाएंगे और हमने सिक्स रो बैक साइड से कंप्लीट कर ली है सेवन्थ रो है और फ्रंट साइड है देखिए फिर से हमने यहाँ पे पहला फंदा उतार लिया और बाकी की रो हमने सीधा सीधा ही बना लेना है सेवन्थ रो तो मैं ये वाली रो कंप्लीट कर लेती हूँ पहले देखिए सेवन्थ रो पूरी बना ली है यहाँ पे हमने फिर से एक फंदा उठा लेना है देखिए यहाँ पे से एक फंदा उठा लेंगे और यहाँ पे हमने उसको सीधा बना लेना है सेवनथ रो कंप्लीट हो गई है एट्थ रो है बैक साइड है फिर से देखिए पहला फंदा उतारेंगे और बाकी की रो हमने उल्टा उल्टा बना लेना है तो मैं बैक साइड से कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए पूरी रो हमने बना ली है फिर से हमने यहाँ पे ना एक फंदा उठा लेना है यहाँ पे से एक फंदा उठा लेंगे और ये हमारी अब एट्थ रो कंप्लीट हो गई है अब हमारी नवी रो है और फ्रंट साइड है फिर से हमने देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी की रो सीधा सीधा ही बना लेना है तो मैं ये वाली रो भी कम्प्लीट कर लेती हूँ देखिए यहाँ पे हमने पूरी रो बना ली है फिर से हमने यहाँ पे एक फंदा उठा लेना है और ये हमारी नवी रो भी फ्रंट साइड से कंप्लीट हो गई है अब हमारी दसवीं रो है बैक साइड है देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी की रो हमने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है देखिए हमने पूरी रो बना ली है फिर से हमने यहाँ पे ना एक फंदा उठा लेना है यहाँ पे से और ये हमारी दसवीं रो भी बैक साइड से कंप्लीट हो गई है अब हमने पूरी ही रो सीधा सीधा बना लेना है ये ग्यारहवीं रो है हमारी और फ्रंट साइड है तो मैं ये रो फ्रंट साइड से कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए पूरी रो बना ली है फिर से हमने यहाँ पे एक फंदा उठा लेना है और यहाँ पे एक फंदा सीधा बना लेंगे और ये हमारी ग्यारहवीं रो फ्रंट साइड से कंप्लीट हो गई है बैक साइड से ना बारहवीं रो में कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टा उल्टा बना के देखिए ये मैंने बैक साइड से भी पूरी रो बना ली है अब हमने फिर से यहाँ पे ना एक फंदा उठा लेना है देखिए हमने एक फंदा उठा लिया और यहाँ पे ना फिर से फ्रंट साइड से पूरी ही रो हमने सीधा सीधा ही बना लेना है तो मैं ये वाली रो भी सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए फ्रंट साइड से मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है अब हमने फिर से यहाँ पे ना एक फंदा उठा लेना है देखिए ये और ये हमारी तेरहवीं रो फ्रंट साइड से कंप्लीट हो गई है अब हमारी बैक साइड है और चौदहवीं रो है पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी की रो हमने फिर से उल्टा उल्टा बना लेना है तो मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ पहले देखिए ये चौदहवी रो बैक साइड से पूरी कंप्लीट हो गई है फिर से हमने ना यहाँ पे एक फंदा उठा लेना है देखिए यहाँ पे से एक फंदा उठा लेंगे और यहाँ पे ना चौदवी रो भी कंप्लीट हो गई देखिए हमने यहाँ पे से यहाँ पे तक चौदह सिलाइयाँ बनाई हैं और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चौदह सिलाइयाँ बनाई हैं टोटल ये मैंने अट्ठाईस सिलाइयां बनाई हैं देखिए देखिए चौदह सिलाइयों में मैंने फंदे कम किए हैं और चौदह सिलाइयों में मैंने फंदे बढ़ाए हैं अब देखिए मैं काउंट करके देखती हूँ मेरे कितने फंदे हैं यहाँ पे देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह, बीस बाईस चौबीस पच्चीस देखिए जब मैंने ये फंदे बनाने स्टार्ट किए थे ना तो उस टाइम पे पच्चीस फंदे थे फिर से हमारे ये पच्चीस फंदे हैं और ये हमारी देखिए एड़ी बन गई है यहाँ पे। तो अब मैं ये पूरी रो यहाँ पे तक बना लेती हूँ यहाँ पे मैंने ब्लैक वाला धागा ही लगाना है तो उसके लिए देखिए पहली सिलाई मैंने उतार लेनी है उसके बाद देखिए पूरी रो हम पहले मैं ये पच्चीस फंदे यहाँ पे तक बना लेती हूँ सीधे सीधे देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ तक ये मैंने पहले चौबीस फंदे मतलब बना लिए हैं अब हमने क्या करना है ना यहाँ पे ना जैसे हम बनाएंगे तो उसके बाद होल दिखेगा तो उसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे होल ना आए तो इसको ना ये जो पहले ये वाला फंदा है इसको हमने बाद में बनाना है और ये वाले फंदे को पहले बनाना है देखिए इस तरीके से फंदा आगे लेके आएंगे और यहाँ पे ना पहले ये वाला फंदा बनाना है देखिए इस वाले फंदे को बनाएंगे तो यहाँ पे जो होल आता है ना वो नहीं आएगा तो आप लोगों ने यही तरीका अपनाना है देखिए मैं फिर से बता देती हूँ ये यह हमारा यहाँ पे तक हमने ये जो पच्चीस फंदे थे और यहाँ से पच्चीस फंदे स्टार्ट है अगर हम ये सीधा बना लेंगे तो ना यहाँ पे होल आ जाता है तो उसके लिए हमने क्या करना है ये जो पहले वाला फंदा है इसको आगे लेके आएंगे और इस तरीके से पहले हमने इसको सीधा बनाना है और उसके बाद इसको सीधा बनाएंगे और उसके बाद हमने ये बाकी की रो सीधा सीधा ही बना लेना है पूरी रो देखिए अब हमने इकट्ठा ही बनाना है तो मैं पहले ये वाली रो कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए फ्रंट साइड से मैंने ये वाली रो बना ली है और अब हम इसकी बैक साइड को आ जाएंगे देखिए बैक साइड पे फिर से ना पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी की रो हमने उल्टा उल्टा बना लेना है तो मैं ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ पहले देखिए ये मैंने एडी बनाने के बाद दो रो मैंने ब्लैक धागे से बना ली है अपनी देखिए मैंने यहाँ पे तक बनाया था ना उसके बाद मैंने दो रो बना ली है एक फ़्रंट साइड से ब्लैक धागे से और एक बैक uh, साइड से फ्रंट साइड से बैक साइड से उसके बाद क्या करना है देखिए फिर से हमने ये जो नीचे बनाया ना इसी को ही कंटिन्यू कर लेना है देखिए दो रो बनाने के बाद हमने अब ये वाले धागे को एडजस्ट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हमने देखे पहले वाले फंदे पे ही इसको हमने लगा लेना है और उसके बाद हमने फिर से कंटिन्यू कर लेना है सीधा सीधा बना के फिर से देखिए हमने चार सिलाइयाँ इस वाले धागे से बना लेनी है और दो सिलाइयाँ इस वाले धागे से तो तो फिर से हमने इसकी जो है लेंथ कंप्लीट करनी होगी तो पहले मैं ये वाली रो बना लेती हूँ देखिए मैंने एक रो फ्रंट साइड से निकाल ली है इसकी अब हमने क्या करना है ये जो राइट साइड की एडी है हमने बना ली है अब हमने लेफ्ट साइड की एडी बनानी है उसके लिए देखिए मैंने इसको पहले से ही इतना बना लिया है यहाँ पे 22 रो है यहाँ से यहाँ तक और दो इंच बनाया है मैंने और यहाँ पे डेढ़ इंच बॉर्डर डाला हुआ है जैसे ये देखिए मैं नाप के बता देती हूँ जैसे हमने दूसरी वाली एड़ी में बनाया है ना वैसे ही बनाया है देखिए ये डेढ़ इंच इसका बॉर्डर है और यहाँ पे देखिए दो इंच उसके बाद बनाया है टोटल ये मेरा साढ़े तीन इंच है और यहाँ पे देखिए ये बाईस रो है यहाँ से यहाँ तक उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे ना फिर से हमने फंदों को डिवाइड कर लेना है देखिए जब मैंने राइट साइड की एडी बनाई थी ना यहाँ पे से ही बनाना स्टार्ट कर लिया था और ब्लैक वाला धागा लगा लिया था अब की बार हमने क्या करना है ये जो 25 फंदे हैं इनको छोड़ देंगे यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे देखिए सबसे पहले तो हमने फंदों को डिवाइड कर लेना है दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस पच्चीस देखिये पच्चीस फंदे हमारे यहाँ पे हो रहे हैं और यहाँ पे हमने पिन लगा लेनी है पच्चीस फंदों पे उसके बाद देखिये हमने इस साइड को भी काउंट कर लेने हैं दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस पच्चीस देखिए पच्चीस फंदे हमारे इस साइड को हैं पच्चीस फंदे इस साइड को हैं देखिए राइट वाली जब हमने एड़ी बनाई थी तो यहाँ से बनाना स्टार्ट कर लिया था अब के बार हमने क्या करना है जो स्टार्टिंग के ये वाले फंदे हैं ना इनको हमने इस वाली सिलाई में उतार लेना है देखिए ये जो पच्चीस फंदे हैं सारे उतार लेंगे इस वाली सिलाई में तीन फंदे चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस ये पच्चीस फंदे हमने उतार लिए और ये जो पिन है इसको भी निकाल लेंगे और यहाँ पे जो ये वाला धागा है ना इसको हमने ब्लैक वाले धागे को कट कर लेना है क्योंकि हमने ब्लैक धागा ही लगाना है यहाँ पे से और अब लेफ़्ट साइड की एडी बनाने के लिए यहाँ पे से हमने इसको बनाना स्टार्ट करना है फिर से बता देती हूँ राइट साइड की एडी बनाई थी तो यहाँ से ही बनाना स्टार्ट कर लिया था अब की बार हमने देखे ये जो पच्चीस फंदे हैं सिलाई में उतार लिए हैं और लेफ़्ट साइड की एडी यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे देखिए उसके लिए हमने पहले वाले फंदे को यहाँ पे से सबसे पहले तो हम धागे को अटैच कर लेंगे और यहाँ पे एक फंदा सीधा बना लेंगे एक फंदा सीधा बना लिया फिर से हमने दूसरा फंदा भी सीधा ही बना लेना है और देखिए फिर से हमने जैसे फंदे कम किए थे ना बनाना सेम वैसे ही है सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहले ये जो पच्चीस फंदे हैं सिलाई में उतार लेने हैं उसके बाद यहाँ से यड़ी बनाना स्टार्ट करना है लेफ्ट वाले की तो अब हमने देखिए पहला फंदा हमने इसके ऊपर से ड्रॉप कर लिया है देखिए एक फंदा हमने कम कर लिया उसके बाद देखिए बाकी की रो हमने सीधा सीधा ही बना लेना है और साथ में ही ये जो ये वाला धागा है ना इसको भी एडजस्ट कर लेना है नहीं तो ना धागा निकल जाएगा इस तरीके से करेंगे जब हमने फंदा बनाना है तो इस पर फंसा लेना है धागे को देखिए फ्रंट साइड से हमने सीधा सीधा बना लिया है और यहाँ पे हमने ये हमारी एडी की फर्स्ट रो है और अब हम इसकी बैक साइड को आ जाएंगे और ये हमारी एड़ी की सेकेंड रो है और बैक साइड है यहाँ पे देखिए फिर से हमने पहला फंदा उतार लिया और उसके बाद यहाँ पे एक फंदा उल्टा बना लिया फिर से हमने देखे एक फंदा इसके ऊपर से ड्रॉप कर लेना है बनाना देखे मैंने पहले बोला वैसे ही है सिर्फ़ ये जो पच्चीस फंदे हैं पहले उतार लेने हैं उसके बाद एड़ी बनाना स्टार्ट करना है देखिए सेकेंड रो हमने बैक साइड से कंप्लीट कर ली है एडी की फिर से हमने देखिए फ़्रंट साइड पे आ जाएंगे एक फंदा उतार लिया एक फंदा सीधा फिर से देखिए इसके ऊपर से हमने ड्रॉप कर लेना है देखिए जैसे हमने उस वाली एड़ी में बनाया था चौदह सिलाइयों में फंदे कम करेंगे और उसके बाद चौदह सिलाइयों में ही फंदे बढ़ाने हैं तो ये मैं रो फ्रंट साइड से कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए थर्ड रो कंप्लीट कर ली है फ्रंट साइड से बैक साइड पे आ जाएंगे फिर से हमने पहला फंदा उतार लिया एक फंदा उल्टा बना लिया और यहाँ पे ये एक फंदा ड्रॉप कर लिया ये हमने फोर्थ रो फिर से बैक साइड से उल्टा उल्टा बना लेना है एक फंदा कम किया और उसके बाद उल्टा उल्टा बना लेंगे देखिए फोर्थ रो बैक साइड से कंप्लीट कर ली है फिफ्थ रो है फ्रंट साइड है फिर से देखिए पहला फंदा उतार लिया और फिर से हमने एक फंदा इसके ऊपर से ड्रॉप कर लेना है और बाकी की रो हमने सीधा सीधा ही बना लेना है तो मैं फिफ्थ रो फ्रंट साइड से कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है अब हमारी सिक्स रो है बैक साइड है फिर से पहला फंदा उतार लिया और एक फंदा उल्टा और इसके ऊपर से फिर से हमने ड्रॉप कर लेना है और सिक्स रो भी फिर से बैक साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है देखिए अब फिर से हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं और यहाँ पे देखिए फिर से हमने एक फंदा सीधा बनाना है और उसके बाद एक फंदा उतार लिया सॉरी उसके बाद एक फंदा सीधा और इसके ऊपर से ड्रॉप कर लेना है देखिए हमने ना चौदह सिलाइयों में ही जैसे पहले वाली एडी बनाई थी ना बनाना वैसे ही है यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड पे फंदे कम करेंगे और बैक साइड पे यहाँ पे मैं एक रो और बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को देखिए ये हमने फिर से पूरा ही रो सीधा सीधा बना लेना है देखिए यहाँ पे एक फंदा कम किया और पूरी रो सीधा सीधा बना लेंगे देखिए एक रो हमने सीधी बना ली है अब हम इसकी बैक साइड पे आ जाएंगे और बैक साइड पे फिर से देखिए पहला फंदा उतार लिया और एक फंदा उल्टा बना लिया और इसके ऊपर से हमने इसको ड्रॉप कर लेना है यहाँ पे एक फंदा कम कर लिया अब इसी तरीके से ना मैं ये सारे ही फंदे जो चौदह सिलाइयों में हमने फंदे कम किए थे ना तो मैं सारे फंदे कम कर लेती हूँ उसके बाद दिखाऊंगी आप लोगों को देखिए ये मैंने सारे फंदे कम कर लिए हैं यहाँ पे मैंने टोटल चौदह रो बनाई हैं सात फ्रंट साइड से और सात बैक साइड से और यहाँ पे मैंने सात फंदे ना यहाँ से फ्रंट साइड से कम किए हैं और सात फंदे बैक साइड से देखिए ये हमारी फ्रंट साइड है और अब हमारी फर्स्ट रो है जहाँ से हम फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे देखिए पहला फंदा उतार लिया और फ्रंट साइड पर हमने पूरी ही रो एक सीधा सीधा ही बना लेना है ये जो ग्यारह फंदे हैं इनको हमने सीधा सीधा बना लेना है उसके बाद हमने क्या करना है फ्रंट साइड पे देखिए यहाँ पे से ना एक फंदा हमने बढ़ा लेना है देखिए ये, ये हमारी फर्स्ट रो फ्रंट साइड से कंप्लीट हो गई है अब हम इसकी बैक साइड पे आ जाएंगे बैक साइड पे फिर से देखिए पहली फंदा उतार लेना है और बाकी की रो हमने उल्टा उल्टा बना लेना है बैक साइड से देखिए एक रो हमने ये बना ली है और उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे भी एक फंदा हमने उठा लेना है यहाँ पे से अब हमारी ये सेकेंड रो भी बैक साइड से कंप्लीट हो गई है और उसके बाद देखिए पहला फंदा उतार लेंगे फिर से हमने फ्रंट साइड से पूरी की पूरी रो सीधा सीधा ही बना लेना है देखिए पूरी रो हमने सीधा सीधा बना लिया है और यहाँ पे से फिर से हमने एक फंदा उठा लेना है और ये हमारी एक फंदा हमने यहाँ से उठा लिया है और ये हमारी थर्ड रो भी फ्रंट साइड से कंप्लीट हो गई है बैक साइड है फोर्थ रो है फिर से हमने देखिए पहला फंदा उतार लेना है और उसके बाद बाकी की रो हमने बैक साइड से उल्टा उल्टा बना लेना है देखिए पूरी रो हमने बना ली है फिर से हमने यहाँ पे से ना ये नीचे से हमने एक फंदा उठा लेना है और ये हमारी फोर्थ रो भी बैक साइड से कंप्लीट हो गई है अब हम फिफ्थ रो पे हैं और फ्रंट साइड में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और उसके बाद ना पूरी रो सीधा सीधा ही बना लेना है देखिए पूरी रो बना ली है फिर से हमने ये नीचे से ना यहाँ पे से एक फंदा उठाना है और ये हमारी फिफ्थ रो फ्रंट साइड से कंप्लीट हो गई है अब बैक साइड पे आ जाएंगे और सिक्स रो है ये हमारी इसको हमने बैक साइड से उल्टा उल्टा बना लेना है देखिए हमने पूरी रो बना ली है और यहाँ पे फिर से हमने एक फंदा यहाँ से उठा लेना है देखिए इसको हमने उल्टा बना लेना है फंदे को और ये हमारी सिक्स रो भी बैक साइड से कंप्लीट हो गई है अब हमने इसी तरीके से ना ये जो चौदह सिलाइयों में फंदे उठाने हैं सारे ही मैं कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पे तक देखिए एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे और एक फंदा हमने यहाँ से उठा लेना देखिए यहाँ से हमने फ्रंट साइड से फंदा उठाना होगा और यहाँ पर बैक साइड से फंदे उठाते हुए यहाँ पर आके हमने कंप्लीट कर लेना है देखिए यहाँ से फंदे उठाएँगे नीचे फिर नीचे फिर नीचे और यहाँ पे आके एंड करना है तो मैं सारे फंदे उठा लेती हूँ पहले देखिए ये मैंने चौदह सिलाइयों में सारे फंदे उठा लिए हैं और यहाँ पे मैं काउंट कर लेती हूँ देखिए ये दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस और ये पच्चीस और ये हमने यहाँ से यहाँ तक टोटल मैंने ये अट्ठाईस रो बनाई हैं चौदह सिलाइयों में फंदे बढ़ाए और चौदह सिलाइयों में ही फंदे घटाए हैं देखिए पहले हमने ये चौदह सिलाइयों में फंदे घटाए हैं और उसके बाद ये चौदह सिलाइयों में ही फंदे बढ़ाए हैं अब हमने क्या करना है यहाँ पे देखिए ये जो हमने पच्चीस फंदे ऐसे ही उतार लिए थे ना फिर से हमने इसी सिलाई पर उतार लेने हैं देखिए सारे फंदे उतार लिए और ये जो धागा है ना इसको हमने कट कर लेना है और यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे धागे को देखिए मैंने धागा अटैच कर लिया है यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे ना फर्स्ट वाले फंदे पे ही धागे को अटैच कर लेना है और उसके बाद जैसे हम नीचे डिज़ाइन बना रहे थे ना उसी को ही कंटिन्यू करना है ये जो यहाँ पे छह सिलायाँ बना रहे थे ना उन्हीं को ही बार बार हमने रिपीट कर लेना है देखिए लेफ्ट और राइट साइड की जो एडी है ना बनानी तो सेम ही है थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना है जब आप लोग राइट साइड की एडी बनाओ ना जब फ्रंट साइड पे ये यहाँ पे धागा होगा यहीं से ही अपना एडी बनाना स्टार्ट कर देना है यहीं से ही फंदे कम करना स्टार्ट कर देना है स्टार्टिंग से और जब आप लोग लेफ़्ट साइड की एडी बनाओगे ना तो उस यहाँ पर जो आधे फंदे डिवाइड करोगे उनको ऐसे ही उतार लेना और उसके बाद ये जो आधे फंदे हैं ना यहाँ पे से अपने एडी बनाना स्टार्ट कर लेना अब हमने क्या करना है जो हमने एडी बनाने के बाद जो अपनी लेंथ है पाँव की उसको कंप्लीट कर लेना है देखिए उसके बाद न बनाना ऐसे ही है जैसे चार रो हम मल्टी कलर से बनाएंगे दो रो ब्लैक वाले धागे से तो मैं जो इसकी लेंथ है ना दोनों पैरों की लेंथ में कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाऊंगी आगे कैसे बनाना है इसको देखिए मैंने दोनों सॉक्स की लेंथ इतनी बना ली है यहाँ पे मैंने चौवन रो इस वाले सॉक्स में बनाए हैं चौवन रो और इस वाले सॉक्स में टोटल मैंने ये सत्ताईस रो फ्रंट साइड से बनाई हैं सत्ताईस रो बैक साइड से देखिए हमने ना यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था एडी के बाद यहाँ से यहाँ तक छः रो बनाई हैं तो मैं आपको ये काउंट करके बता देती हूँ मैंने कितने बनाए देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ बार मैंने ये ब्राउन वाला ये जो मल्टी कलर है इससे बनाए हैं और ब्लैक वाला देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ ब्लैक वाले हैं और नौ ही कलर इस वाले पे भी देखिए देखिए ये ब्लैक वाला एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ ये वाले बनाए हैं देखिए मल्टी कलर वाला भी यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ बार ही मैंने मल्टी कलर से बनाया है और नौ बारी ब्लैक वाले से ये अब हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं टोटल लेंथ कितनी है इसकी देखिए यहाँ पे से नापेंगे नीचे यहाँ तक तो ये सवा नौ इंच है देखिए ये सवा नौ इंच इसकी टोटल लेंथ है और अगर ए डी से नापोगे ना तो ए डी से देखिए इसकी लेंथ ए डी से हमने ये साढ़े सात इंच है दूसरा वाला भी नाप लेते हैं पहले हम टोटल लेंथ कर लेंगे टोटल लेंथ देखिए सवा नौ इंच है और इसकी जो एडी से हम नाप लेंगे ये देखिए साढ़े सात इंच है अब हमने क्या करना है अंगूठा बनाना है दोनों सॉक्स का उसके लिए हमने क्या करना है यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ये एक का अंगूठा बना लेंगे एक पाँव के सॉक्स का उसके लिए हमने क्या करना है इसको हमने साइड कर देना है और यहाँ पे हमने अब ना इनको दो हिस्सों में बांट लेना है आधा आधा कर लेंगे पच्चीस फंदे इस साइड को रखेंगे पच्चीस फंदे इस साइड को देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस एक पच्चीस यहाँ पे हमने अब पिन लगाने देनी है और देखिए और इस साइड को भी दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस पच्चीस अब हमने क्या करना है मैंने ना जो अंगूठे हैं ब्लैक धागे से ही बनाना है तो मैं ये जो ब्राउन वाला धागा है इसको हमने कट कर लेना है और अब हम ब्लैक धागे से ही बनाएंगे उसके लिए देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पे ना दस फंदे हमने पहले इस साइड से निकाल लेने हैं और दस फंदे इस साइड से निकालेंगे देखिए किस तरीके से करना है पहले हमने ये जो दस फंदे हैं ना इस सिलाई में ले लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस फंदे हमने इस सिलाई पे ले लिए और यहाँ पे ना हमने अब धागा इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे और यहाँ पे अब हमने ज्वाइंट कर देना है देखिए इस पर हमने ज्वाइंट कर दिया इसको और उसके बाद हमने साथ साथ में धागे को अटैच भी कर लेना है और सीधा सीधा बना लेना है जहां पे तक हमारी पिन है देखिए यहाँ पे तक हमने सीधा सीधा बना लेना है ये हमने पूरी की पूरी रो सीधी सीधी बना ली है ये हमारे कितने फंदे हैं देखिए दो दो चार छः आठ दस बारह तेरह तेरह फंदे हैं ये अब हमने क्या करना है ये जो दो फंदे दिख रहे हैं ना तेरह चौदह पंद्रह इनको हमने दो का एक कर लेना है यहाँ पे और ये जो पिन है इस वाली सिलाई पे ले लेंगे और ये जो पहला वाला फंदा है ना इसको हमने सिलाई पे लेके पलट लेना है और यहाँ पे देखिए बैक साइड से दो का एक कर लेना है देखिए इस सिलाई में ना हमने आ, दो फंदे कम कर लिए एक फंदा हमने पिन से इस साइड को कम किया और एक फंदा इस साइड को कम किया उसके बाद हमने देखे जो बाकी की रो है ना उसको हमने सीधा बना लेना है ये जो धागा है ना इसको पूरा ही हम लास्ट के जो दस फंदे हैं ना उसको हमने छोड़ देना है पूरी है सीधा उल्टा ही बनाना है सिर्फ हमने कलर चेंज किया है और बीच में देखे सेंटर पे दो फंदे कम कर लिए हैं काउंट कर लेती हूँ देखिए दो चार छः आठ दस तीन फंदे भी बचे हैं एक दो और ये तीन फिर से हम फंदे काउंट कर लेंगे दो चार छः आठ दस देखिए हमने दस फंदे इस साइड को बिना उन्हें उतार लिए थे और दस फंदे ही हमने इस साइड को रखे हैं अब हमने क्या करना है यहीं पे इससे बैक साइड को आ जाना है और बैक साइड पे ना कोई फंदा कम नहीं करेंगे इसको हमने बिना मतलब उल्टा उल्टा ही बनाना है और कोई फंदा कम नहीं करना है रो भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे हम फिर से फ्रंट साइड पे आ जाएंगे और फिर से देखे पहला फंदा उतार लिया बाकी की रो हमने सीधा सीधा बना लेना है और यहाँ पे आके ना फिर से दो फंदे कम करने हैं पहले मैं यहाँ पे तक बना लेती हूँ देखे पूरी रो बना ली है अभी ये देखे पिन से पहले मेरे दो फंदे बचे हैं ना इनको हमने फ्रंट साइड से ही दो का एक कर लेना है दो का एक कर लिया और ये जो पिन है ना इस वाली सिलाई पे ले लेंगे और यहाँ पे देखिए फिर से ये जो पहला वाला फंदा है ना सिलाई पे लेके पलट लेना है और यहाँ पे फिर से दो फंदे का एक कर लेंगे देखिए ये हमने दो फंदे फिर से यहाँ पे कम कर लिए हमने टोटल चार फंदे कम कर लिए उसके बाद हमने फ्रंट साइड से ये रो सीधी बना लेंगे और बैक साइड से उल्टा उल्टा तो मैं ये दोनों रो बना के कम्प्लीट कर लेती हूँ देखिए ये हमने फोर्थ रो बैक साइड से कंप्लीट कर ली है अब हमारी फिफ्थ रो है फ्रंट साइड है देखिए फिर से पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी की रो हमने सीधा सीधा बना लेना है यहाँ पे तक बना लेंगे दो फंदे का फिर से हमने एक कर लेना है देखिए पिन से पहले दो फंदे हैं ना इनको हमने दो का एक कर लेना है और ये जो पिन है इस सिलाई पे ले लेंगे फिर से देखें पहला फंदा सिलाई पे लेके पलट लेना है और यहाँ पे देखिए बैक साइड से दो का एक कर लेंगे फिर से हमने ये फिफ्थ रो और सिक्स रो बैक साइड से कंप्लीट कर लेनी है फिफ्थ रो देखिए सीधा सीधा बनाएंगे और बैक साइड से उल्टा उल्टा बनाना है कोई फंदा कम नहीं करना है तो मैं ये दोनों रो ही कम्प्लीट कर लेती हूँ देखिए सिक्स रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है अब हमारी सेवंथ रो है फ्रंट साइड फिर से पहला फंदा उतार लेंगे और उसके बाद ये बाकी की रो हमने यहाँ तक सीधा सीधा बना लेना है फिर से देखिए यहाँ पे हमने दो फंदे का एक कर लेना है और सिलाई पे देखिए इस वाली सिलाई पे पिन को रख लेंगे पहला फंदा देखे पिन के बाद का वाला फर्स्ट फंदा हमने सिलाई पे लेके दो का एक कर लेना है और फिर से देखिए सीधा सीधा ही बना लेना है अब मैं ना सेवन्थ रो और एट रो बैक साइड से कंप्लीट कर लेती हूँ ये हमारी एट्थ रो बैक साइड से कंप्लीट हो गई है अब हमारी नाइन्थ रो है और फ्रंट साइड देखिए फिर से पहला फंदा उतार लेंगे और ये हमने सीधा सीधा बना लेना है देखिए यहाँ पे तक हमने सीधा सीधा बना लिया है अब हमने क्या करना है यहाँ पे दो फंदे दिख रहे हैं ना इनको हमने दो का एक कर लेना है और फिर से देखिए ये जो सिलाई ये पिन है ना इस वाली सिलाई पे ले लेंगे और यहाँ पे देखिए पहला फंदा सिलाई पे लेके पलट लेना है और बैक साइड से हमने दो फंदे का एक कर लेंगे और उसके बाद फिर से अगेन हमने फ्रंट साइड से और बैक साइड से एक रो उल्टा उल्टा बना लेंगे और फ्रंट साइड से सीधा तो मैं ये दोनों रो कंप्लीट कर लेती हूँ ये नवी रो भी दसवीं रो भी देखिए दसवीं रो भी हमने बैक साइड से कंप्लीट कर ली है ग्यारहवीं रो है फ्रंट साइड है फिर से हमने पहला फंदा उतार लेना है उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने बाकी की रो सीधा सीधा ही बना लेना है पहले सिलाइयों की ही तरह जब हमारे दो फंदे बचेंगे तो देखिए दो फंदे बचेंगे इनको हमने दो का एक कर लेना है फ्रंट साइड से और सिलाई को देखिए सॉरी पिन को हमने इस वाली सिलाई पे रख लेना है और यहाँ पे देखिए पहला फंदा इसको हमने पलट लेना है और बैक साइड से दो फंदे का एक कर लेना है और उसके बाद बाकी की रो हमने सीधा सीधा ही बना लेना है अब मैं ना ग्यारहवीं रो और बैक साइड से बारहवीं रो कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए अब हम आ गए हैं फ्रंट साइड पे और ये हमारी तेरहवीं रो है यहाँ पे अब हमने क्या करना है पहला फंदा उतार लेंगे और उसके बाद एक फंदा सीधा बाकी की रो भी सीधी ही बनानी है देखिए पूरी रो हमने सीधी बना ली अब हमने क्या करना है यहाँ पे ना दो फंदे का एक कर लेना है फिर से देखिए पिन को ना इस वाली सिलाई पे रख लेंगे फिर से देखिए इसको हमने बैक साइड से दो का एक कर लेना है फंदे को हमने पलट लिया था उसके बाद हमने बाकी की रो ना सीधी सीधी बना लेनी है देखिए तेरहवीं रो भी फ्रंट साइड से कंप्लीट हो गई है अब हमारी चौदहवीं रो है बैक साइड है फिर से हमने क्या करना है पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी की रो हमने उल्टा उल्टा बना लेना है तो मैं चौदहवीं रो को भी बैक साइड से कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए फ्रंट साइड है पंद्रहवीं रो है अब हमने क्या करना है यहाँ पे देखिए पहले फंदे को उतार लेना है और यहाँ पे तक हमने यहाँ पे तक पिन है ना सीधा सीधा ही बना लेना है देखिए अब हमारे यहाँ पे काउंट कर लेते हैं दो चार छ आठ आठ फंदे हमारे इस साइड को है पिन को निकाल देंगे अब हमने देखिए यहाँ पे काउंट करना है दो चार छ आठ आठ फंदे इस साइड को है आठ फंदे इस साइड को है और ये देखिए अब हमने क्या करना है यहाँ पे ना ये जो आठ फंदे हैं इस साइड को रखे हैं आठ फंदे इस साइड को तो इनको हमने देखिए बैक साइड पे दो सिलाइयों पे रख लेना है देखिए अब हमारे आठ फंदे इस साइड को हैं आठ फंदे इस साइड को हैं अब हमने बैक साइड से इनके जो फंदे हैं बंद कर देने देखिए एक फंदा हमने इस सिलाई से रखना है और एक फंदा इस सिलाई से देखिए हमने दोनों जो आठ आठ फंदे थे डिवाइड कर लिए थे आधे आधे कर लिए थे और उसके बाद देखिए ये दो का एक कर लेंगे उसके बाद फिर से दो का एक कर लेंगे और ये जो पहले वाला फंदा है इसको इसके ऊपर से ड्रॉप कर लेंगे फिर से आधा फिर से देखिए पहले फंदे को इसके ऊपर से ड्रॉप कर लेंगे फिर से एक फंदा इस सिलाई से और एक फंदा इस सिलाई से दो का इसके ऊपर से ड्रॉप कर लेना है और यहाँ पे फिर से दो फंदे रख लेंगे और ये दो का एक किया एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से दो का एक किया और इसको हमने ड्रॉप कर लेना है फिर से देखिए एक फंदा इस सिलाई से और एक फंदा इस सिलाई से दो का एक किया फिर से ये ड्रॉप कर लेना है देखिए ये दो ही फंदे बचे हैं इनको भी हमने ऐसे कर लेना है और ऊपर से इसको ड्रॉप कर लेना है अब हमारा ये एक फंदा बचा है इसको हमने क्या करना है यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा ये धागा हमने हल्का सा लंबा रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सिलाई करनी होगी तो इसको हमने थोड़ा सा धागा रख लेंगे सिलाई के लिए और यहाँ पे हमने कट कर लेना है धागे को और उसके बाद देखिए ये जो हमारा ये ये हमने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दी है और अब हम जो बाद में ना ये जो धागा रखा है ये वाला धागा इससे ना यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे अब हमने क्या करना है अंगूठा बनाना है उसके लिए हमने बैक साइड पे आ जाना है और अब हमने क्या करना है जो इस सिलाई के फंदे हैं ना इसी में रख लेने हैं देखिए, दस फंदे ये थे और दस फंदे ये थे तो अब हमने एक ही सिलाई में इनको डाल देना है एक दो तीन चार पाँच ये हमारे दस फंदे ये हो गए और दस फंदे ये हम हमने ना ये जो धागा यहाँ पे कट किया था इसको हमने जॉइंट कर लेना है यहाँ पे देखिए धागा ज्वाइंट कर लिया है यहाँ पे अब हमने क्या करना है इनको ना सीधा सीधा ही बना लेना है हमने टोटल पंद्रह रो बनानी है ब्लैक वाले धागे से देखे पहला फंदे में ही हमने धागे को अटैच कर लेना है और साथ साथ में ही देखिए ये जो ये वाला धागा हमने कट किया था ना इसको भी इसी के साथ हमने अटैच कर लेना है नहीं तो फंदे ना निकल जाएंगे बनाना सीधा ही है इस पे ना कोई फंदा अंगूठी में हम कम या ज़्यादा नहीं करना है इस पर देखिए फ्रंट साइड से हमने एक रो बना ली है ये दो फंदे बचे हैं इनको भी हमने सीधा ही बना लेना है अब हम बैक साइड पे आ जाएंगे बैक साइड से फिर से हमने देखे पहला फंदा उतार लेना है और बाकी की रो हमने उल्टा उल्टा बना लेना है ये हमारी सेकेंड रो है अभी हमारा थोड़ा सा धागा ना और ही बचा है यहाँ पे और ये जो थोड़ा सा धागा बच रहा है ना मैं इसको कट कर लूँगी अब हमने सीधा सीधा ही बना लेना है पंद्रह रो तो मैं ये पंद्रह रो पहले कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए फ़्रंट साइड पे आ गए हैं और ये हमारी अब थर्ड रो है तो मैं अब ये पंद्रह रो टोटल कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद दिखाऊंगी आपको कैसे बनाना है ब्लैक वाले धागे से ही बनाना है और सिर्फ सीधा उल्टा बनाना है कोई फंदा कम या ज़्यादा नहीं करना है तो मैं ये पंद्रह रो बना लेती हूँ देखिए ये मैंने पंद्रह रो बना ली है और ये जो मेरा अंगूठा है ना बन के कम्प्लीट हो गया है इसकी लेंथ मैंने देखे इसके बराबर बना ली है अब हमने क्या करना है यहाँ पे सारे फंदे बंद करने हैं किस तरीके से करेंगे सबसे पहले हमने जो ये वाले फंदे हैं ना इस वाली सिलाई पे रख लेने हैं देखिए सारे बीस फंदे हमने इस वाली सिलाई पे रख लेने हैं हमने कोई भी फंदा कम नहीं किया है इसमें देखिए फंदे हमने इस वाली सिलाई पर रख लिए हैं अब हमने क्या करना है हल्का सा लंबा धागा हमने कट कर लेना है यहाँ पे और उसके बाद हमने ये जो धागा है ना सुई पे डाल लेना है देखिए हमने धागे को सुई पे डाल लिया है अब हमने क्या करना है ये हमारी बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है देखिए धागे को हमने फ्रंट साइड की तरफ को लेके आना है और ये जो सारे फंदे हैं ना देखिए सुई में डाल लेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये बीस देखिए बीस फंदे हमने सिलाई पे डाल लिए हैं और सॉरी पिन पे डाल लिए हैं अब हमने इसको इनको इकट्ठा कर लेना है देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने सारे फंदे अब हमने हल्का हल्का ना इस पर सिलाई लगा लेना है इस तरीके से इसके टॉप पे सिलाई लगाएंगे ब्लैक धागा है तो इतने अच्छे से दिखता नहीं है फिर भी देखिए यहाँ पे हमने अंगूठे पे ये टॉप पे सिलाई लगा दी है अब हमने क्या कर अब मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेती हूँ और इस पूरे में सिलाई लगा लेती हूँ देखिए मैंने एक पैर का जो सॉक्स है उस पर पूरे पे सिलाई लगा ली थी देखिए यहाँ से सिलाई लगा ली थी और ये जो यहाँ पे था यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है अब हमने क्या करना है दूसरे पैर का सॉक्स कंप्लीट करना है उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे तक तो मैंने आप लोगों को बताया था इसमें और अब हमने यहाँ पर फिर से क्या करना है ये दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है देखिए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस एक पच्चीस तो यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे देखिए इस साइड का ना जैसे हमने पहले बनाया था ना वैसे ही बना लेना है फिर से हमने काउंट कर लेना है इस साइड के फंदे दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस पच्चीस देखिए हमने सेंटर पे पिन लगा दी है पच्चीस फंदे इस साइड को हैं पच्चीस फंदे इस साइड को हैं हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है फंदों को अब हमने क्या करना है जो स्टार्टिंग के दस फंदे हैं ना उनको फिर से देखिए बिना बुने उतार लेंगे देखिए पहले वाले हमने जो सॉक्स बनाए थी उसमें भी ऐसे ही किया था देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस दस फंदे हमने देखे बिना बुने उतार लिए हैं अब हमने दस फंदे ना इस साइड के रखने हैं फिर से देखे हमने मैंने ये जो ब्लैक वाला धागा है पहले ही कट कर लिया है अब हमने यहाँ पे धागे को अटैच कर लेना है सबसे पहले और यहाँ पे धागे को अटैच कर लेंगे और सीधा सीधा ही बनाना है बनाना पहले की तरह ही है जैसे हमने पहले वाली सॉक्स बनाई हैं और साथ साथ में ये जो धागा है ना इसको भी हमने अटैच कर लेना है देखिए हमने ना यहाँ पे ये दो फंदे छोड़ दिए हैं इनको हमने फ्रंट साइड से दो का एक कर लेना है देखिए एक फ़ंदा हमने यहाँ पे कम कर लिया और उसके बाद देखिए हमने पिन को इस वाली सिलाई पे रख लिया और यहाँ पे हमने पहले ये जो पहला फंदा है सिलाई पे लेके पलट लेना है और बैक साइड से ना दो फंदे का हमने एक कर लेना है देखिए यहाँ पे हमने फिर से दो फंदे कम कर लिए और उसके बाद हमने फ्रंट साइड से पूरी ही रो सीधी सीधी बना लेनी है लास्ट के दस फंदे छोड़ के देखिए पूरी रो हम अब मैं जो बाकी की सॉक्स है जैसे हमने पहले वाली सॉक्स बनाई थी उसी तरीके से बनाना है तो मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ जैसे हमने ना अंगूठे में बनाए थे वैसे ही बनाना है तो मैं ये पूरी सॉक्स कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी इसका लास्ट लुक किस तरीके से बन के आया है देखिए दोस्तों मैंने दोनों सॉक्सों में सिलाई लगा ली है और यहाँ भी देखिए सिलाई लगा ली है और ये हमारी सॉक्स बनके कंप्लीट हो गई हैं देखिए कितनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल लग रही है सॉक्स तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इसको अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं इस तरीके की कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए थैंक्स फॉर वॉचिंग